नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने जो भी वीडियोस देखी हैं वो है राजस्थान की वेटनरी यूनिवर्सिटी की वीडियो। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो वेटनरी स्टूडेंट हैं, जो इंटर्निस्ट डॉक्टर हैं, वो पिछले एक हफ्ते से लगातार हड़ताल कर रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, इन जो वेटनरी स्टूडेंट हैं, इनकी तीन मांग है। पहली मांग, जो कि इंटर्नशिप के दौरान एक डॉक्टर को भत्ता दिया जाता है, उसके अंदर बढ़ोतरी की मांग की गई है। और दूसरी इनकी मांग है कि जो पीजी के लिए जो स्टूडेंट आते हैं, उनको जो फेलोशिप मिलती है, उसके अंदर भी बढ़ोतरी की जाए। और तीसरी इनकी मांग है कि 450 पदों की वेटनरी के लिए नई घोषणा की जाए। तो इनकी तीन डिमांड है और इसका अल्टीमेट एम यही है। ये जो लड़ाई है वो वेटनरी डॉक्टर के मान सम्मान और उसको इक्वलिटी की लड़ाई, उसको एक समानता का अधिकार दिलाने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? तो इसे आप समझिए कि अगर आपको वेटनरी डॉक्टर बनना है या MBBS डॉक्टर बनना है या डेंटल आयुर्वेदिक कोई भी डॉक्टर बनना है, आपको उसके लिए नीट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सबका एक है, सबको नीट क्वालिफाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की कि कितने साल की डिग्री है, तो MBBS की भी 5.5 साल की डिग्री है, डेंटल आयुर्वेद और वेटनरी इनकी भी 5.5 साल की डिग्री है, और इंटर्नशिप का टाइम पीरियड भी 1 साल है। यानी कि सारी चीज़ें हैं वो एक बराबर है। अगर मैं बात करूं स्टाइफंड की, जो कि इंटर्नशिप के दौरान एक डॉक्टर को दिया जाता है, तो राजस्थान सरकार है वो ह्यूमन डॉक्टर, MBBS डॉक्टर और आयुर्वेदिक को 14,000 रुपये प्रति महीना देती है। और वहीं अगर मैं बात करूं वेटनरी डॉक्टर्स की, तो वही राजस्थान सरकार एक वेटनरी डॉक्टर को 3,500 रुपये मासिक भत्ता देती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 14,000 रुपये MBBS डॉक्टर और 3,500 रुपये एक वेटनरी डॉक्टर, 4 गुना का फ़र्क है दोस्तों। तो ऐसा भेदभाव वेटनरी डॉक्टर के साथ क्यों किया जा रहा है? 3,500 रुपये का मतलब कि 115 रुपये एक दिन की जो राजस्थान सरकार है वो एक वेटनरी डॉक्टर को दे रही है, जो कि एक शर्म की बात है। बताते टाइम भी शर्म आ रही है कि एक वेटनरी डॉक्टर जो दिन रात मेहनत कर रहा है, जो बेजुबान का इलाज कर रहा है, जिसको हमेशा खतरा रहता है कि कोई जानवर है वो उसे चोट ना पहुँचा दे, कहीं कुत्ता काट ना ले, गाय भैंस है वो कहीं मार ना दे, तो ये रिस्क भी रहता है वेटनरी डॉक्टर को। उसके बावजूद भी ये जो सरकार है वो मात्र 3,500 रुपये दे रही है। और अगर मैं बात करूं अदर राज्य की, तो जैसे हरियाणा हुआ, वहां 14,000 जो हरियाणा सरकार है वो वेटनरी डॉक्टर को स्टाइफंड देती है। केरला के अंदर 17,000 स्टाइफंड है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर 23,500 रुपये स्टाइफंड है। और अभी आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर 3,500 रुपये, मात्र 3,500 रुपये स्टाइफंड है। आप लोगों की क्या राय है? ये जो राजस्थान सरकार वेटनरी डॉक्टर और ह्यूमन डॉक्टर के बीच में इतना बड़ा भेदभाव कर रही है, क्या ये सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि आप लोग वेटनरी डॉक्टर के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, यहाँ बात है इक्वलिटी की। मैं नहीं कह रहा कि वेटनेरियन सुपीरियर है या MBBS सुपीरियर है। सभी डॉक्टर्स हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, इस समाज के अंदर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सभी को समानता का अधिकार है, सभी को इज्जत मिलनी चाहिए। मुद्दा सिंपल सा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दें। और आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों, दूसरा जो मुद्दा है वो है PG के अंदर मिलने वाली फेलोशिप के अंदर बढ़ोतरी। और राजस्थान सरकार एक MBBS डॉक्टर को जो PG के अंदर एडमिशन लेते हैं उसको 65,000 फेलोशिप देते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं वेटनरी की, तो जो वेटनरी डॉक्टर PG के अंदर एडमिशन लेते हैं उनको फेलोशिप मिलती है 10,000 रुपये। और यहां भी आप लोग देख रहे हैं कि एक वेटनरी डॉक्टर और ह्यूमन डॉक्टर के बीच में भेदभाव हो रहा है। और इसी को ख़त्म करने के लिए आज जो हमारे वेटनेरियन भाई हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी हमारा साथ दें इस लड़ाई के अंदर। और राजस्थान सरकार से ये विनती है कि वो इस मुद्दे को जल्द से जल्द ख़त्म करें। धन्यवाद दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।